तो आप क्या कर रहे थे? मैं भाई को छुड़ा रहा था, मार रहे थे। मैं सिटी में तुरंत उधर गया फाटे पे, क्यों मार रहे देख रहा था तो उन्होंने मेरे को मारना चालू कर। अच्छा, तो आपका भाई क्या करते? गाड़ी चलाते। कौन सी गाड़ी? आयशर। अभी गाड़ी में से भाड़ा मार के आया, उनके जेब में 40,000 थे, वो 40,000 भी ले लिया। किसने छीना? पवन रूल है, भामड़े पहलवान मुर्गी है, एक डॉक्टर है, भैंसों का डॉक्टर है। भैंसों का? क्या नाम है आपका? इसराइल है। इसराइल? इसराइल कहाँ रहते? नयगांव। क्या करते आप? गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्या हादसा, कैसे क्या हुआ आपके साथ? सर मैं घर पे आया था, ऐसे अब दोस्त की टप्पी चाय की, उधर ही बैठा था, एक झगड़ा हुआ था। मैं बोला जाने दो भाई, काई को धंधे कर रहे, खाली इतना बोला था मैंने। तो बाद में वो जिधर उधर हो गए, बाद में 12-13 छोकरों ने मेरे को पकड़ के ऐसा मारे सर। ये मेरे पीछे भी इधर देखो, डंडों से कुराड़े पूरे घाव। मेरे 40,000 रुपये छिले सर मेरे जेब में से। कहाँ के पैसे खाए गए थे? गाड़ी के थे सर। कौन सी गाड़ी? ट्रक के सर। मैं उधर के अपने वाले से माल लेके आया था सर, एडवांस डीजल के लिए पैसे लिया था मैंने, मेरे पैसे भी पूरे छिन लिए थे। आपने जो 40,000 रुपये एडवांस लाए थे, किससे लाए थे? ट्रांसपोर्टर से सर। क्या नाम है उनका? अजंता रोड लाइस। इनका भवन है नाम। तो क्या बोले, मैंने को पूछा क्या और भैया, तो बोले मैं अभी आया हुआ दवा खाने से, और टपरी ने बाजू में डायको फाटे, मैं टपरी में सामान लाने गया था। मैं सामान लाता ना होटल अपनी, तो समृद्धि में मैं वो सामान लेकर गया मैं। तो वो तो पूछा मैंने, और फोन कर रहा इनको भवन को, इनको आंदर रुक करके पर फोन किससे कर रहा बोले, अलग मारना शुरू कर दिया उन्होंने। किसने मारा? वो अमोल ने, वही ईशान ने, अरे पवन ने। इसने बोला ये बेटा, बोले अब ये बेटा बोले तो बोला बोला कुछ तो बोल रहा हूँ, मेरी दाढ़ी वाड़ी देख के उन्हें जैसा हमला मेरे को यहाँ पहले करा। मैं भागा, फिर भागा तो इधर से भी घेरे, उधर से भी घेरे, तो मैं गिर गया। गिरा तो फिर मारना ही चालू कर दिया, धनाधन धनाधन लटा ये पूरे पीठ पे, इस पे उस पे पूरे ऐसे। क्या नाम है आपका? नवीद खान। कहाँ रहते आप? रोशन गेट। वहाँ कहीं के लिए गए थे आप? व्यापारी से पैसे लेने गए, मुर्गी का व्यापारी, मुर्गियों का व्यापारी छिंदा ने मोबाइल। पैसे थे तुम्हारे पास? 70,000 रुपये होंगे तुम्हारे पास? हाँ, कलेक्शन रहता ना पूरी मुर्गियों की दुकान का। अच्छा, तो उसकी कोई डायरी वगैरह है? कलेक्शन है ना, मोबाइल में सब था वो। शेख ताहिर अब्दुल गनी। कहाँ रहते आप? नायगांव में। कि आज जो झगड़ा हुआ जी, किस बिना पर हुआ झगड़ा? उसकी वजह हमको मालूम ही नहीं है सर, हम तो होटल में बैठे हुए थे, और ये जो हमारा भाई है शेख वाहिद, ये टपरी के ऊपर सामान लाने जा रहा था, तो पवन रोड़े ने आवाज़ दिया कि रुक मेरे को आने दे उधर सौंगी के तरफ। वो जैसे रुका था, पवन ने जो इसको सलिया मारा, और संतोष जनार्दन लेंबे उसने, और एक विशाल डॉक्टर, ये तीनों ने मिलके उसको मारे वहाँ पे। ये लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह? नहीं, इनका हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं इनसे हमारा, ना कोई ताल्लुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर अचानक झगड़ा होने की वजह क्या है? हम खुद कंफ्यूज है कि भाई क्यों हुआ करके, हमको भी नहीं पता उसका क्या हुआ। कुछ पैसे वगैरह भी छीने गए? हाँ, वो सोनू बच्चा जो है वो गाड़ी पे से आया था, उसके 40,000 रुपये भी लिया वो पवन ने, और उसका मोबाइल भी ले लिया।